बॉलीवुड एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित ने हाल ही में अपना 53वां बर्थडे मनाया। 15 मई को धक धक गर्ल का जन्मदिन था और माधुरी पूरे 53 साल की हो गई हैं। फिल्म अबोध से अपने करियर की शुरुआत करने वाली माधुरी दीक्षित का फिल्मी सफर काफी ज्यादा चर्चा में रहा है। 90 के दशक में माधुरी के लिंकअप ने काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी। इस खास रिपोर्ट में हम आपको माधुरी दीक्षित की जिंदगी से जुड़े एक ऐसे ही सच के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र खुद वो भी नहीं चाहती कि कभी हो। आप सब जानते हैं माधुरी दीक्षित का सीरियस कनेक्शन संजय दत्त के साथ रहा है और हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में इन दोनों की ये लव स्टोरी काफी ज्यादा चर्चे भी बटोर चुकी है। कहा जाता है कि संजय दत्त की जिंदगी पर बनी फिल्म संजू की रिलीज से पहले चर्चा थी कि माधुरी का भी सीन इस फिल्म में होगा, लेकिन बाद में सूत्रों के हवाले से दावा ये किया गया कि माधुरी ने खुद फिल्म से अपने रोल पर कैंची चलवा दी। आपको बता दें, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के अफेयर से जुड़ा ये सीन फिल्म संजू से पहले फिल्माया गया, लेकिन बाद में उस हिस्से को हटा दिया गया। माधुरी अपनी जिंदगी में काफी खुश हैं अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, और वो नहीं चाहती कि उनके अतीत की परछाई गलती से भी उनके आज पर पड़े। हालांकि आपको बता दें वो सीन क्या था। बताया जाता है कि फिल्म संजू में एक सीन था जिसमें संजय अरेस्ट होने के बाद एक एक्ट्रेस को फोन करते हैं, लेकिन कॉल एक्ट्रेस की मम्मी उठाती है। वो कहती है कि अब मेरी बेटी आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब दावा ये किया जाता है कि संजू ने जिस एक्ट्रेस को फोन किया वो कोई और नहीं बल्कि माधुरी ही थी। संजय दत्त को 1993 में जब परेशानियों का सामना करना पड़ा, जब संजय अरेस्ट हुए, तो संजय ने मदद के लिए माधुरी को ही फोन किया था। 16 महीने तक वो जेल में रहे, लेकिन माधुरी एक बार भी उनसे मिलने नहीं गई। यहीं से दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगी और माधुरी ने संजय से अपना रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ लिया। हालांकि आपको बता दें, माधुरी से कई तरह के सवाल संजू बाबा को लेकर किए गए, लेकिन उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिए। माधुरी 1999 में श्रीराम नेने के साथ शादी करके अपनी लाइफ में सेटल हो गई, कुछ सालों के लिए अमेरिका चली गई। वहां से वापस जब लौटी हैं तो वो भी अपनी लाइफ में काफी आगे बढ़ चुकी हैं और संजय दत्त भी। अब इस तरह के दावों में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, कह पाना हमारे लिए भी काफी मुश्किल है। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।